17 सितंबर 1970 अमेरिका ने दुनिया की पहली MIRV कैपेबल मिसाइल मिनटमैन तृतीय का परीक्षण किया। MIRV कैपेबल मिसाइल का मतलब है वो मिसाइल जो एक से ज्यादा टारगेट को बर्बाद कर सकती है। एक आम मिसाइल एक ही टारगेट को भेद पाती है, पर MIRV मिसाइल अपनी आखिरी फ्लाइट स्टेज के दौरान अपने अंदर रखे एक से ज्यादा वॉरहेड्स को अलग अलग टारगेट्स पर भेज देती है, जिससे एक साथ मल्टीपल टारगेट को बर्बाद किया जा सकता है। अमेरिका ने इस टेक्नोलॉजी का विकास 70 के दशक में ही कर लिया था। इसी तरह की आधुनिक मिसाइलों में अब परंपरागत वॉरहेड के अलावा बायोलॉजिकल वॉरहेड भी लगाए जा सकते हैं। MIRV टेक्नोलॉजी का विकास अमेरिका और रूस ने 70 के दशक में ही शीत युद्ध के दौरान कर लिया था। हालांकि भारत में इस पर आज भी परीक्षण ही हो रहा है। अग्नि-6 मिसाइल जो इसकी क्षमता रखती है उस पर अभी भी टेस्टिंग ही चल रही है, वो भी तब जब इस टेक्नोलॉजी का हमारे प्राचीन हिंदू ग्रंथों में जिक्र है। रामायण में वर्णित नारायण अस्त्र और नागपाश अस्त्र सबसे घातक MIRV कैपेबल मिसाइल्स थी। नागपाश अस्त्र तो एक ऐसी मिसाइल थी जिसका तोड़ बहुत कम योद्धाओं के पास था। नागपाश अस्त्र में भी यही खूबी थी। यही कारण था कि राम लक्ष्मण को भी इसने भ्रम में डाल दिया। मेघनाथ बेहद ही मायावी था। वो जानता था कि अगर उसने सीधे सीधे नागपाश अस्त्र लक्ष्मण पर चला दिया तो राम उसे अपने वैष्णवास्त्र से निष्फल कर देगा। इसलिए मेघनाथ ने चाल चली। वो बार बार रणभूमि में गायब हो जाता, कभी आसमान में अपने रथ को लेकर उड़ जाता और कभी पाताल में छुप जाता। यह सब करते हुए मेघनाथ ने नागपाश अस्त्र दाग दिया। नागपाश का केंद्र राम और लक्ष्मण दोनों के मध्य में था, क्योंकि राम लक्ष्मण का ध्यान मेघनाथ के मायावी रूप को निष्फल करने पर केंद्रित था। इसलिए जब तक भगवान राम को इसका पता लगा तब तक नागपाश अपने मल्टीपल वॉरहेड लॉन्च कर चुका था, जिसे अब रोक पाना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि इस अस्त्र का वॉरहेड बायोलॉजिकल होने के कारण न तो ये रडार का सहारा लेते थे और न ही इसके अंदर से किसी प्रकार की ऊष्मा निकलती थी। नागपाश अस्त्र के वॉरहेड AMP के रूप में होते थे, यानी एक तरह के छोटे इलेक्ट्रोमैकेनिकल रोबोट्स जो सांप के आकार के होते थे। ये सांप के आकार वाले इलेक्ट्रोमैकेनिकल रोबोट्स अपने टारगेट को चारों तरफ से जकड़कर एक खतरनाक बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम लेप्रे छोड़ते थे। इससे टारगेट को लकवा मार जाता था और टारगेट गिरकर हिल भी नहीं पाता था, न ही बोल पाता था। यही परिस्थिति राम और लक्ष्मण के साथ भी हुई जब नागपाश अस्त्र के रोबोटिक सांपों ने उन्हें जकड़कर माइकोबैक्टीरियम लेप्रे छोड़ दिया। तब राम और लक्ष्मण भी कुछ हरकत नहीं कर पा रहे थे और न ही बोल पा रहे थे। बाद में फिर गरुड़ देव को बुलाया गया और माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के असर को कम किया गया। बाद में गरुड़ देव ने भगवान राम को गरुड़ास्त्र प्रदान किया। अब जब भी मेघनाथ नागपाश अस्त्र चलाता तब राम उसे गरुड़ास्त्र चलाकर निष्फल कर देते। नागपाश अस्त्र कमाल का अस्त्र था, गरुड़ास्त्र भी उसे कुछ ही हद तक निष्फल कर पाता था। हालांकि नागपाश अस्त्र द्वारा छोड़ा जाने वाला बैक्टीरिया वानरों पर ज्यादा असर नहीं करता था। भविष्य के हथियारों में जीव जंतुओं के आकार वाले हथियारों और रोबोट्स को विकसित किया जा रहा है, जो गजब के फुर्तीले और कमाल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस रहते हैं। भविष्य में यही हथियार टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों और अटैक हेलीकॉप्टरों का स्थान लेंगे। दोस्तों, लॉजिकल हिंदू अपने उम्दा कंटेंट के लिए जाना जाता है। हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।